वेलकम टू माय लाइफ। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको पहला रमजानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम प्रोग्राम रिकॉर्डिंग पे कहाँ पर आए हैं, रमजानुल मुबारक में हमारी रूटीन क्या होती है और हम अपने प्रोग्राम में क्या दिखाते हैं आज आपको बताते हैं। शहर के हालात, मॉडल बाज़ार और साथ ही साथ जो हमारे शहरियों को सहूलत मिलती है, आज के इस वीलॉग में भी और आज के जो मेरा प्रोग्राम है उसमें भी हम ये दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये मॉडल बाज़ार है वाहदत कॉलोनी का और यहाँ पर लोगों को कितनी सहूलत है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स, जहाँ पर आपको टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो और क्या था, घिया कद्दू हो, केले हो, सेब हो, वो मार्केट से मुनासिब कीमत पे मिलेगा। मुनासिब कीमत में ख़रीदने के लिए आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कितनी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, कितनी आसानी से आपको चीज़ें दस्तयाब होंगी मैं आपको दिखाऊंगी। आ जाइए मेरे साथ। वाहदत रोड का मॉडल बाज़ार है यहाँ पर, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जी ये आला क्वालिटी की सब्ज़ियाँ, फल, दालें ये मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। लेकिन मिल कैसे रही हैं ये देखिए जी, पूरी पूरी लाइनें हैं लाइनों में लगकर। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार लाइन में लगेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा प्याज और आलू, और उसके बाद आप जाएंगे दूसरी लाइन में। क्या कह रही है, गोभी 2-2 किलो। गोभी का क्या रेट है? मैंने कहा गोभी सिर्फ 2-2 किलो, ज्यादा नहीं दे रही है। ओए होए, प्याज तो 1 किलो मिल रहा है। अच्छा, 2 किलो आलू मिलेंगे, प्याज 1 किलो मिलेगा। ये है जी एप्पल का स्टॉल, यानी आपने पहले यहाँ पर लाइन लगनी है, आलू और प्याज आपने यहाँ से खरीदने हैं, उसके बाद आपने यहाँ से निकल के दूसरी लाइन में लग जाना है और यहाँ पर आपका नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एप्पल मिलेंगे। कब से वेट कर रही हैं, कब से इंतजार कर रही हैं? मैं तो अभी अभी आई है। ठीक है, ये ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन इस साइड से मैं प्रोग्राम कर रही थी तो लोग बहुत नाराज थे। ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये जेंट्स की अलग से लाइन है हमारे मर्द भाइयों की, और आगे एक और लाइन है, वहाँ से क्या मिल रहा है वहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वहाँ पर लाइन में जाकर क्या मिलेगा। वहाँ से अमरूद खत्म हो गए इनके पास, खत्म हो गया अभी तो, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा, नहीं कुछ नहीं रहा। अभी पूछ लेते हैं, शिकायत आई है कि यहाँ पे जी खत्म हो गए, अमरूद खत्म हो गए, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा, अभी से खत्म हो गया तो सारा दिन क्या बनेगा। लीजिए, वहाँ की लाइन से निकलने के बाद आपने इस एक और लाइन में लग जाना है और यहाँ पर आपको केले मिलेंगे और वो भी सिर्फ 1 दर्जन। जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2 आइटमों में अभी इन्होंने सेलेक्टेड किया, बाकी का अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, ये जो आलू वगैरह हैं वो 38 दे रहे हैं। हाँ। और दूसरा जो है टमाटर सेलेक्टेड किया। भाई जी सुबह कितने बजे आना है? फ्रूट्स कौन कौन से हैं? फ्रूट्स कौन कौन से हैं? अमरूद किधर है? बाजिया शिकायत कर रही है, आपने दिया ही नहीं उनको। बाजिया शिकायत कर रही है कि खत्म हो गया, आपने कहा है भाई दिखाइए। 1 दर्जन केला मैं नहीं पा दिया, क्या बात है भाई, क्यों छुपा के रखा हुआ है? ये भी है सर, अभी आए, अभी तो निकाल के पाई रखे ना, सुबह का आया हुआ था, खत्म हो गया, अभी फिर आया और मंगाया। किलो अमरूद दे दे, आज के नहीं है ये, मैं पता नहीं कितने सालों से रमजान बाजारों में प्रोग्राम कर रही हूँ और हमेशा यही सूरत हाल में देखती हूँ कि कभी एक चीज खत्म हो गई, कभी दूसरी हो गई, नीचे नीचे रखी भी होती है चीजें, यानी कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो सही, एक तो आपको बहुत ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ेगा और दूसरा ये कि आपको जो है वो जितनी मिकदार में आपको चीज़ें चाहिए उतनी मिकदार में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये रूटीन की जो शॉप्स हैं
यहाँ पर कोई इतना रश नहीं है। आगे हम कहाँ जाने वाले हैं? वैस इधर से निकल रहे हैं। चलो ये जी, मॉडल बाजार में हम प्रोग्राम कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारी खवातीन थी जो ये शिकायत कर रही थी कि यहाँ पर कोई गाड़ी लगी हुई है जिसमें वो सस्ता मुफ्त राशन मिल रहा है जो कि गवर्नमेंट लोगों के घरों में पहुँचाने की बात कर रही है। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी विजिट किया जाना चाहिए क्योंकि मेरा काम ही है, जहाँ पे मुझे कोई भी शिकायत मिलती है कोशिश होती है कि वहाँ पर पहुँचा जाए और उस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए। यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, हालांकि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो राशन मुफ्त मिल रहा है वो लोगों के घरों पे दहलीज पे पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर गाड़ी लगा के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। शनाख्ती कार्ड कौन लेता है? वो ही जो लड़के ने किसका मोबाइल के स्कैन नहीं होता, जिसका मोबाइल स्कैन नहीं होता, मोबाइल था कहता स्कैन नहीं हो रहा, इसकी वजह नहीं हो रहा है ना, दे रहे क्या क्या रहे हैं, राशन नहीं है आपके पास, नहीं देना आपको राशन नहीं आ रहा है। क्या कह रहे थे? पहल नहीं है, कभी कहते हैं नेट नहीं चल रहा। हाँ मैं दस्या ने उन्होंने आख्या नेट नहीं चल रहा, नेट चलता सब कुछ चलता, लेकिन चोर है जो सब मिले हुए हैं, सबने सबने रोजा रखा हुआ है और यहाँ पे लाइन एक टाइम रोजा रखा है, जुबान कहाँ पैदल इसे जाना वापस, जुबान जड़ी तालू को लग जाएगी। ये बाबा जी आ रहे हैं, ये बाबा जी भी आ रहे हैं, ये भी देखो राशन लाना है, होगा ना कुछ तकरीबन 2-3 घंटे, ये 2-3 घंटे से बैठ बैठ के जलील हो गए, यहाँ से गए, इन्होंने मजदूरी करनी होती है, साइकिल पे छाड़ वगैरह ऐसी चीज इकट्ठी करनी होती है, ये देखें वो खाली बैठ बैठ के, ना तो ये काम पे गए हैं ठीक है जी, ना इनकी दिहाड़ी लगी और यहाँ से भी ये जलील रुसवा हो गया आपके सामने जा रहे हैं। आपने तो पहले देखा है कितनी आवाम थी, 300-400 औरत थी और 200-300 मर्द आदमी थे यहाँ पे। हजरा क्या कह रहे हैं चाचा? ये थे क्या है ना कि असी घर का राशन दे के जावा दे के जावा जरूर, तो कोई भी ना दूसरी तीसरी बार खजल खराब हो के, ये देखे बुढ़ी अम्मा वो जा रही है बेचारी रुसवा हो के यहाँ से। माँ जी आप राशन घर पे पहुंचा आपके राशन या नहीं? अच्छे आया तो भी चौपी कार में की तनु आका, आप बोलो बोलो बोलो, कल राशन मिले हैं नवाजरी में? ये ना ना सन के खजल खराब और ना पुत्र ना किसी नु राशन देना, ये खा जान दे पुलिस वाले ते कुछ खा जान दे जेड़े लक मेरा टूटा हा पथड़िया थक ते किसी दे नाल आईया उन्हें खबेलियां जा। अम्मा जी आपको किसने कहा था कि यहाँ पर आ जाए? राशन तो घर पे पहुँचना है, हुकूमत ने कहा घर पे आएगा राशन, पुत्र कार किसे भी नहीं पहचानना, मैं आज तू सिर मना सटा जे ते को कार दे के आवे, नहीं देणगे घर काम नु कार किन्ने दे, नहीं देना इथे दे देन उना दी मेहरबानी, इथे नहीं दे रहे ते घर च किथे देना, कब से आई हैं इंतजार कितना किया? मुझे पता है, बताएं कहां से आए? कह रहे कितने बजे सुबह आए, 8 बजे आए, 9 बजे आए? नहीं भाई आई तो मैं होनी, मैं मुंडे नु कल्या सी ते ओने हुन फोन कीता सी अम्मी गड्डी आई ते आ जा, कल भी आई थी गाड़ी, कल इधर आए थे लेकिन मिला तो नहीं, सबर ही है रोजेदार, सबर ही है रोजे सारे निकली के बच्चे है साडे, अल्लाह देदा ओने देना काम करके छुट्टी की है, कल वो इतना बकवास करेंगी कि कल छुट्टी हो की है, ओ मेरी गल सुन पुत्र ये बस ना चक्कर लगवा रहे हैं,
क्या हालात भाई जी? ਵੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੜੇ ਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਆਂ ਡਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟਾ ਠਹਿਰੋ 2 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਗਾੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਵਹੀਂ ਪੇ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਥਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਹੀਂ ਪੇ ਵਾਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੇ ਸਾਥ बुजुर्ग शहरी भी हमारे यहाँ पर हैं जो कि इसी इंतजार में है कि उनके घरों में वो सस्ता मुफ्त राशन पहुँचे जो कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया। चाचा कब से आए हुए इधर? सुबह 9 बजे थे, सुबह 9 बजे खड़े हैं। ककड़ी बीमार है, कुछ कख नहीं मिले अभी तक, चक्कर ही दे रहे हैं हर बंदे चक्कर दे रहे हैं की करिए। तो आपको ये नहीं बताया कि ये राशन तो आपके घर में पहुंचेगा, यहाँ नहीं आना? ये नहीं बताया। सुबह कहते 9 बजे फिर दोबारा गाड़ी इधर आएगी, सुबह 9 बजे इधर आ जाना, फिर जील करके आपके वापस घर चल जाएंगे। कल भी आएंगे तो कल भी जील होके घर चले जाएंगे। आपका 9 बजे इधर होना तो इंशाल्लाह आप खुद देख लेना। मैं आपा कल फिर आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे बेटा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी जिंदगी लंबी करे। बहुत अल्लाह पाक आपका नसीब भी बेटा अच्छे करे। कब से इंतजार कर रही है यहाँ पे? हम तकरीबन 8 बजे की मैं आई हुई, 8 बजे की। आप साफ लगा लो, अब क्या टाइम हुआ? 2 बजे। कितना टाइम हो गया मुझे इधर खड़े आए? वो घर में देती नहीं है, उन लोगों के दरवाजे में खड़े होके ना तो वो दे देते तस्वीरें बना लेते। भी मैं घर दे रही। रमजान बाजार, आटा चीनी, करप्शन कहानी, ये आज की नहीं है, ये तो पता नहीं कब से चल रही है। और मेरा ख्याल है कोई 3-4-5 साल तो मुझे हो गए हैं ये प्रोग्राम करते हुए, और हर साल में यही कुछ गवर्नमेंट की जानिब से ऐलानात तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उन ऐलानात पर जब इम्प्लीमेंटेशन, जब अमल दरामद की बात आती है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। किसी का दिल नहीं चाहता ना लाइनों में लगने को, ना इस तरह से खवार होने को, ना अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करने को। किसी का दिल नहीं चाहता, मजबूरी लेके आती है जिसकी जेब में पैसे नहीं, सिर्फ मजबूरी। एक बुजुर्ग है मुझे अभी कह रहे थे, आप मुझसे चाचा क्या कह रहे थे? मरियम ना किसके साथ? मरियम नवाज के साथ। मुझसे अभी पूछ रहे थे कि पुत्र तू मेरी मरियम नवाज नाल मुलाकात करा सकनी है? मैं तुहाडा मैसेज चला सकनी है, छोटा मुलाजम है नेट से ला के ना तुम आखे मेरा बेटा है नायब कासद धक्के खाता फिर किराया 20-25 हजार रुपया किराया देता है, छोटा मुलाजम है, रोटी नहीं पकड़ी अलॉटमेंट दे जो, कागज मेरे कोल ने ले जाओ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ, हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। हालांकि आज मैं जब जाने से पहले ये सोच रही थी कि इस बार हम लोग रोड शो किस तरह से करेंगे, क्या दिखाएंगे, क्योंकि ना रमजान बाजार लग रही है, ना उस तरह से जो है जैसे लास्ट ईयर मुफ्त आटा मिल रहा था लोगों को, वहाँ पे बड़ी भगदड़ थी। पिछले सालों में हमने देखा कि चीनी सस्ती मिलती थी, उसकी बड़ी लाइनें होती थी, कहीं ना कहीं बद इंतजामी होती थी, करप्शन होती थी। तो अपने प्रोग्राम में ये सारी चीजें मैं दिखा रही होती थी। आज सुबह जाते हुए मैं सोच रही थी कि यार आज प्रोग्राम में हम क्या दिखाएंगे, पूरा रमजान मुबारक का महीना किस तरह से जो है वो प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन भाई हालात वही, मुझे लग रहा था इस बार सारी चीजें स्मूथ हैं, ये जो राशन घर घर पहुंचाया जा रहा है इसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं होगी, लोगों को तंगी नहीं होगी, बल्कि लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन लोगों के लिए आसानी नहीं है, इस रमजान मुबारक भी लोगों के लिए मुश्किल ही है। और वो जो इतने सारे लोग राशन लेने के लिए वहां पर जमा थे, यकीन जानिए मैं क्यों नहीं जाती वहां पर लाइन में लगती, आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरा घर चल रहा है, आपका घर चल रहा है, ये वही मजबूर लोग हैं, वही गरीब लोग हैं जो कि बेचारे एक एक रुपए के लिए जो है वो परेशान होते हैं, और इसीलिए लाइनों में लग के खवार होते हैं कि किसी ना किसी तौर पर चंद रोज का ही उनको राशन मिल जाए। आप इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।